सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए हम हमेशा नई अपडेट लेकर के आते हैं कि कौन से छात्रों के लिए सरकारी विभाग में नौकरियां निकली हैं और आप इन विभागों में अप्लाई करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको बताएं कि 10वीं पास छात्रों के लिए CIPF में नौकरी निकली है, 23 से 30 साल वालों के पास BSF में जॉब करने का मौका मिला है। इस बार का जो अपडेट है वो इन्हीं सब से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जुटे स्टूडेंट के लिए 5 लेटेस्ट नौकरियों की जानकारी हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं, जिसमें 12वीं पास स्टूडेंट IIT के ग्रुप ABC के 131 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद 1.7 लाख रुपये मंथली सैलरी भी मिल सकती है। 10वीं पास के लिए CISF में 787 पदों पर बहाली निकली है। इसके अलावा ग्रेजुएट छात्र BSF में वेटनरी असिस्टेंट पद पर आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट छात्र इग्नू और UPSC में निकली 20 भर्तियों पर अप्लाई करके शानदार मौका जीत सकते हैं। अब आइए इन सभी खबरों पर विस्तार से नज़र डालेंगे। CISF ने 10वीं पास के लिए 787 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें कांस्टेबल, ड्रेसमैन, कुक, वॉशरमैन, कॉबलर, बारबर और टेलर, स्वीपर और पेंटर, मेसन और प्लम्बर, माली और वेडर। क्वालिफिकेशन 10वीं पास। फॉर्म भरने की फीस जो है जनरल और OBC 100 रुपये, SC ST के लिए फ्री है। 18 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए और इसके लिए CISF.gov.in पर आप अप्लाई करके भेज सकते हैं। जरूरी तारीख है, आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2022 है। फिजिकल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल टेस्ट है। सैलरी जो है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच की है। अब आइए बात करते हैं BSF में वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बनने का मौका। कुल 20 पदों पर बहाली निकली है वेटनरी असिस्टेंट सर्जन में, जिसमें वेटनरी साइंस और एनिमल हंसबेंड्री में ग्रेजुएशन। फॉर्म भरने की फीस जनरल OBC के लिए 400, SC ST के लिए फ्री। कुल एज लिमिट 23 से 30 साल है। फॉर्म भरने का जो तरीका है उसमें RECTT.BSF.gov.in पर कर सकते हैं। अंतिम तारीख 9 जनवरी है और इसमें सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। UPSC में आर्किविस्ट बनने का शानदार मौका मिला है। कुल 19 पदों पर आर्किविस्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, साइंटिस्ट BA, MA, MSc, MBS, MMBS। फॉर्म भरने की जनरल OBC के लिए 25 रुपये फीस है। एज लिमिट 30 से 40 है। फॉर्म भरने के लिए upsconline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और इग्नू में PRO पोस्ट पर भर्ती निकली है, जिसमें आपको बताया कि कुल एक पद है जिसमें 55 अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर्म भरने की 1000, जनरल के लिए 1000 है, OBC SC ST के लिए 600 रुपये है। और आपको बताएं कि एज लिमिट 52 साल तक है। फॉर्म भरे ignu.ac.in पर। जरूरी अंतिम आवेदन करने की तिथि जो है वो 12 जनवरी 2023 है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू। सैलरी जो है 78,000 से लेकर के 2.9 लाख रुपए तक हो सकती है। और IIT कानपुर में ग्रे ग्रुप ABC के लिए 131 पदों पर वैकेंसी निकली है। कुल 131 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स, जूनियर टेक्नीशियन। इसमें क्वालिफिकेशन 12वीं ग्रेजुएट इंजीनियर डिप्लोमा। एज लिमिट 21 साल से 45 साल तक। ग्रुप ए में फॉर्म भरने की फीस जनरल OBC 1000, SC ST 500। ग्रुप बी और सी में जनरल OBC 7, SC ST फ्री। फॉर्म भरने का जो तरीका है उसमें oag.iitk.ac.in/oa/record/pg। आवेदन की अंतिम तारीख 29 जनवरी 2023 है। सिलेक्शन प्रोसेस, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू परीक्षा। सैलरी 21,000 से लेकर के 1.7 लाख रुपए तक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको 5 लेटेस्ट सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दी है और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए तो बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।